ये भी तो कभी मेरी तरह आते थे बसों में धक्के खाते, फिर मुझ में क्या कमी है। मैं कहा दो जिंदगियां, एक तो ऊपर वाले ने दे दी, अब तू बदल ले। ऊपर वाले ने तो दिए नर्क दिया यहीं पर, मतलब के बोलते हैं ना कि अगर इंसान इंसान की यूनि मिल जाती तो इसको हम स्वर्ग बोल देते हैं। मैं कहा ये तो नर्क मिला भाई मिडिल क्लास फैमिली का, मैं कहा इसको स्वर्ग में कन्वर्ट कर रहा है ना, दुनिया घूमनी है तो तेरे नेगेटिव फ्रेंड तो देंगे नहीं तुझे। तो उन्हीं को पहले ब्लॉक मार दिया, आज तक ब्लॉक है, अभी बुलाने के लिए अनब्लॉक करा उसे, तो आज बुलाया उसे, देखो आएगी कि नहीं। अब करते करते हुआ क्या, मैनेजर लेवल डन हो गया, बट खुशी इसीलिए नहीं है मैं आपको बताऊं, क्योंकि ना अगर 120 सीसी की अगर मैं खुशी बनाऊंगी ना, मैंने ग्लोबल रैली क्वालिफाई करनी है, वी फ्रेंड ग्रुप, मेरे को 1500 सीसी नहीं हो पाएंगे। और सारे पूछ रहे एक्साइटमेंट कहाँ है, तो एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि सक्सेस डे पे 126 मैनेजर बने थे, मैंने कोई नया कुछ नहीं करा है। मैनेजर हो गया ठीक है, अगर यहीं पे खुश होने लगे ढोल बजवा दी भाई, आगे सीनियर सोरिंग सफायर बहुत कुछ, अपन ने आगे तक जाना है, तो बहुत आगे तक जाना है। देखो ग्लोबल रैली है, कितना कुछ है फॉरएवर लिविंग के अंदर, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, बस करना क्या पड़ेगा। कुछ चीज़ें बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों की ग्रोथ के लिए, पहले तो अपने नेगेटिव फ्रेंड्स छोड़ देना, दूसरा ये कि डाउन टू अर्थ रहना हमेशा, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करोगे, और जितना अपनी अपलाइन को प्रमोट करोगे ना अपनी टीमों में, उतना आपकी टीम में आपको प्रमोट करेंगी। वरना क्या होता है फिर हम अपलाइन को नहीं पूछते, फिर हमारी टीम में हमें नहीं पूछेंगी, ये चीज़ है ना, फैक्ट है। बाहर की दुनिया का नहीं पता मुझे, जो करता है वैसा होता है कि नहीं होता, बट फॉरएवर होता है अगर आप अपनी अपलाइन के अकॉर्डिंग दिए हुए प्लान को अगर फॉलो करो तो। अब बहुत सारी चीज़ें हैं छोड़नी पड़ेंगी, बट हुआ क्या हम छोड़ते नहीं है, होते ना क्राइम बेबीज होते हैं। माइक लगेगी, पब्लिक ऑन डिमांड, तेरे वाला माइक है वो चाहिए। हम छोड़ते नहीं अपना कंफर्ट जोन, ये स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ, प्रदीप सर बोलते थे एफर्ट्स कर, एक ही डायरेक्शन में कर, साइड मिरर हटा दो कार के, बट नहीं, एक फ्रेंड यहाँ एक फ्रेंड यहाँ, मतलब गलतियाँ बहुत करी। अब एक बार अलांटे में मुझे याद है, मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, अनमोल सर ने मुझे देख लिया था वहाँ पर, और हुआ क्या, क्योंकि पता नहीं था कि यहाँ से इतना कुछ मिलना है, क्योंकि वाई नहीं क्लियर थी, क्योंकि सिंपल है जब तक हम अपनी वाई अपनी करेंगे नहीं ना, अपने हमारे पास रीजन नहीं आएगा कि हम क्यों करना चाहते हैं फॉरएवर को, हमें समझ नहीं आएगा। बट एक दिन हुआ कि अपने मम्मा को देखा कि जॉब करते हैं वो, एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, तो उनको फ्री करना था, और अगले महीने से शायद उनको घर भी बिठा दूंगा। एक्साइटेड हो? यस सर। क्या बात है जी, तो स्पीच सुनने जाते हो? यस सर। चलो मैम बताओ थोड़ा सा इन्हें कुछ ऐसी चीज दो कि तो कैसा लग रहा है सभी को? बढ़िया मैम। हाँ जी लानी है सभी ने अपनी भी? यस सर। कब तक ला रहे हो फिर? देखो शुरुआत होगी है 2020 की है ना,
और स्पेशली जितनी भी गर्ल्स खड़ी है उनके लिए तो यही है मैसेज की देखो मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। और बॉयज के लिए यही है कि देखो अगर मैंने कर लिया तो अब तो बोलने की लोड ही नहीं है, अब तो बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। दो से सवा दो साल पहले मैंने डिसीजन बनाया था इस प्लेटफॉर्म में आई थी मैं, उसके बाद क्या चीज थी, उससे पहले जॉब क्या करती थी, 8-9 हजार की सैलरी जॉब के अंदर। अगर बात करें उसे, अगर हमें इंटू भी करके देखें 12 मंथ से इंटू करें अगर हम उसे 1 साल से, तब भी आपके सामने 1 लाख मुश्किल से बनता है ना। अब 1 लाख की सैलरी जब लगता है कि मैं कितने साल में ये अचीवमेंट ले पाती, कभी भी नहीं, और जॉब के अंदर पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन इस बिजनेस की पावर है कि 2 साल के अंदर ये अचीवमेंट हो गई है कि 16.5 लाख की गाड़ी यहाँ से मैंने बाय कर ली है। पहुंचने का सफर आपको लग रहा है इजी है, देखो इजी कुछ नहीं होता, बट मुश्किल भी कुछ नहीं है, है ना। बस विश्वास होगा, कभी मैंने कमिटमेंट करी थी आज से 2 साल पहले की जब हमने बिगनिंग करी थी, जब मैं एस लेवल पे होती थी, बोला था एक आपने आई थिंक वीडियो भी वॉच की होगी वो, तो उसके अंदर क्या चीज़ थी कि मैं और मेरी पार्टनर मोनिका मैम हम दोनों ने कमिटमेंट करी थी, एक्टिवा से स्टार्टिंग करी थी, जब हमने धूप के अंदर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे, उस टाइम हमने एक ही चीज़ बोली थी कि आने वाले टाइम पे हमारे पास खुद की कार्स होगी, लग्जरी कार्स होगी, बट वो ड्रीम भी पूरा हो गया, बड़ी जल्दी मेरी लेडी डायमंड भी वो सपना पूरा करने वाली है। तो एक कमिटमेंट की पावर होती है, तो आप सभी भी एक कमिटमेंट करो कि देखो अगर कमिटमेंट रखो, एक ड्रीम बनाओ और ड्रीम सच में पूरे होते हैं, क्योंकि आप सभी के पास ना वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई है फॉर एवर लिविंग। इससे कोई ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आपके सपने होने चाहिए पूरे ये प्लेटफॉर्म कर देगा। तो ड्रीम लेना स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट करो, चार्ट के ऊपर गोल बनाओ और फिर गोल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो सारी की सारी। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। और मैम किस सिस्टम से हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली, जिसका नाम वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और कुछ तो यही है, देखो लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, लोगों की बात मत सुनना, क्योंकि लोग ना आपको पीछे खींचने के लिए बैठे हुए हैं, वो यही चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कभी कुछ ना करो, है ना। वो कुछ खुद कुछ नहीं कर पाए तो आपको भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। तो वही चीज़ है, नेगेटिव लोगों को छोड़ो, वही है कि अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखोगे ना तो सब कुछ आप पॉसिबल कर लोगे। मुझे भी सुनाते थे, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना आप लोगों की तरह, जब मेरा AS लेवल हुआ था तो मुझे बहुत सारे लोग बोला करते थे हाँ जी कब आ रही आपकी गाड़ी, मतलब ना मुझे पिंच करते थे। और क्या चीज़ है कि आप लोगों को भी सेम चीज़ें सुनने को मिलती होंगी, है ना। कहाँ फंस गए हो, बेवकूफ़ बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है, बहुत सारी चीज़ें तो सेम मैंने भी सुनी है। और यहाँ पे जितने भी लोग बने हैं ना सभी ने सुनी है, मेरी टीम के सारे डायमंड बैठे हुए हैं उस साइड, तो आप देख सकते हो ये उन्होंने भी इतनी नेगेटिव बातें सुनी है। वो हैरियर वाले सर खड़े हुए, विक्की जी, होंडा सिटी वाले सर खड़े हुए यहाँ पे, अपना मनीष जी, और यहाँ पे सलेश सर की भी होंडा सिटी खड़ी है, एक्सयूवी खड़ी है, अनमोल सर की, हम सभी ने मिनी कूपर में अभी सर का आप देख सकते हो रिसेंटली। और क्या चीज़, हम सभी ने सुनी है सारी की सारी नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी को तो फेस आप सभी को करना पड़ेगा। और अगर आप कर रहे हो ना, इट मीन्स यही है कि आप सही रास्ते पे सही ट्रैक पे चलो और बड़ी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। कहते हैं ना जब चैलेंजेस बढ़ जाए तो समझ लो आप अपनी सक्सेस के बहुत ज़्यादा नियर हो, ठीक है। बाकी यही है कि देखो वही है कि अगर कोई कुछ बोलता है ना तो उसको बुरे में मत लेके जाओ, उसे अच्छे में लेके जाओ कि वो आपके ड्रीम्स याद दिला रहा है, आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग कर लो तो आपको लोगों की बातों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद फिर ऐसी ऐसी अचीवमेंट आपकी होने वाली है बहुत जल्द। तो आजकल सोशल मीडिया का युग है ना, आप सभी अभी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, सभी इतनी इन्फॉर्मेशन लेनी है BT23 के एंटरप्रेन्योर के ना इंस्टाग्राम पे जाकर के आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो अभी तो BT23 की गर्ल्स ने शुरुआत करी, यानी कि हिस्ट्री क्रिएट कर दी, यानी मैम की फर्स्ट कार है, तो ये अभी कार यहाँ रुकने वाली नहीं, जल्दी मोनिका मैम ला रहे हैं, ठीक है जी। तो आप सारे यानी सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना सारे, ठीक है जी। आप सभी ऑफलाइन वर्क कर रहे हो, यस सर, ऑनलाइन भी करो, ठीक है, क्योंकि देखो
क्रिकेट खेलते हैं ना हम सारे, बॉयज खेलते हैं मोस्टली, तो हमें एबीसीडी पता होती है, चौका कहाँ है, छक्का कहाँ है, सारी बाउंड्री का पता, फील्डिंग करनी भी आती है, बैटिंग करनी भी आती है, और गर्ल्स खड़ी होंगी यहाँ पे, सब कुछ पता है, इस काम का भी तो सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है जी, कहाँ चौका कहाँ छक्का, कल्ला ऑफलाइन ही करना है, ऑनलाइन भी करेंगे, ठीक है जी, मान लो कि आपने ऑनलाइन काम करना है, ठीक है जी, तो ग्रोथ दूर नहीं है, ये सारा ऑनलाइन का काम है, ये सारी आपको पता है लॉकडाउन की मेहनत है, आप पीछे गाड़ी देख सकते हो, हैरियर खड़ी है, मिस्टर विक्की सर खड़े ऊपर, ठीक है, और वो जो गाड़ी आई है वो लॉकडाउन में आई है, ठीक है, इधर ये इधर होंडा सिटी खड़ी है, लॉन्च होती फर्स्ट कार इधर आई थी हिसार साइड से, ठीक है, और ये दोनों पार्टनर्स ऑनलाइन आए, क्लियर है जी, ऑनलाइन कितनी बड़ी पावर है, अननोन पार्टनर थे हमारे, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करना आप सभी ने, तो बाकी आपको सोशल मीडिया करके बेसिकली डिसीजन लिया था इस बिजनेस को करने का, क्योंकि कॉमर्स साइड से थी तो माइंड बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चलता था, और मैं मैनेजर हुई हूँ, इसकी ज़्यादा खुशी नहीं है, मेरी टीम में दो सुपरवाइज़र हुए हैं और इसकी मुझे ज़्यादा खुशी है, मैंने अपनी मम्मा को इनवाइट करना चाहूँगी, बेसिकली आज मैं अपनी मम्मा को लेके आई हूँ, मुझे आज कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि अब मज़ा आ रहा है मुझे फॉरएवर करने में।